क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम यूनिट 3 के जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो बच्चों, आप सभी इसको ध्यान से समझिए, नोटबुक में नोट करिए और अच्छे से याद करिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न सूची में से संक्रामक रोगों का चयन कीजिए। इनमें से यहाँ पे संक्रामक रोग आपको छांटने हैं। पहला है कैंसर, दूसरा इन्फ्लुएंजा, तीसरा एलर्जी, चौथा छोटी माता। ऑप्शन देखें, जिसमें सही ऑप्शन आता है फोर्थ, बा तथा दा। अर्थात जो संक्रामक रोग है वो कौन से हैं? इन्फ्लुएंजा और छोटी माता। कैंसर और एलर्जी संक्रामक रोगों की श्रेणी में नहीं आते। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चिकनगुनिया रोग संचारित होता है। चिकनगुनिया रोग संचारित होता है, इसमें सही आंसर है सेकंड, एडीज मच्छर द्वारा। किसके द्वारा? एडीज मच्छर द्वारा। तीसरा है, मादा एनाफिलिस द्वारा मनुष्य को काटने पर संक्रमित करने वाले स्पोरोजॉइट्स बनते हैं। इसमें सही आंसर है तीसरा, मच्छर की लार ग्रंथि में जो स्पोरोजॉइट बन जाते हैं वो कहाँ बन जाते हैं? मच्छर की लार ग्रंथि में ही डेवलप हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, टाइफाइड के निदान हेतु प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक परीक्षण है। तो टाइफाइड का टेस्ट आप सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा, उसके लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। तो आंसर हो जाएगा, टाइफाइड के निदान हेतु प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक परीक्षण है विडाल टेस्ट, विडाल परीक्षण। पांचवा, निम्न में से बृहद भक्ष काणु नहीं है। कौन सा? पहला कौन सा दिया है इसमें? हिस्टियोसाइट्स, माइक्रो ग्लिया, लाल रुधिराणु, कुफुर सेल्स। इसमें सही आंसर है थर्ड नंबर का, लाल रुधिराणु। ये जो है ये बृहद भक्ष काणु नहीं है। सिक्स देखो बच्चों, यकृत की कुप्फर सेल्स का कार्य है फेगोसाइटोसिस, पेनेकोसाइटोसिस, ग्लाइकोजन संग्रहण और रुधिर स्कंदन। सही आंसर है फर्स्ट, फेगोसाइटोसिस। जैसे जैसे हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन समझा रहे हैं, आप तुरंत इसका आंसर बोलते जाइए वीडियो देखते देखते, तो आपको याद हो जाएगा। सेवन नंबर का क्वेश्चन देखो, टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। आंसर फर्स्ट, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगेन फिर एक क्वेश्चन आया जो कंफ्यूजिंग है एक दूसरे का, टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन मैचुरेशन स्टेज पॉइंट है। पहला अस्थि मज्जा, दूसरा प्लीहा, तीसरा वृक्क और चौथा थाइमस। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि टी लिम्फोसाइट जो होता है वो अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन उसका जो मैचुरेशन पॉइंट है वो है थाइमस। फिर इसके बाद देखो बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन स्थल है। इसका भी आंसर है फर्स्ट, अस्थि मज्जा। ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। लिम्फोसाइट बन रहा अस्थि मज्जा में, टी लिम्फोसाइट, और परिपक्व हो रहा थाइमस में, लेकिन बी लिम्फोसाइट जो है वो अस्थि मज्जा में ही मैच्योर हो रहा है। नेक्स्ट देखो, प्रतिरक्षियों का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, बृहद भक्ष काणुओं में, या चौथा मास्ट कोशिकाओं में। इसमें सही आंसर है लिम्फोसाइट में। प्रतिरक्षियों का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट में। अब इसके बाद में 11वां क्वेश्चन, वह पदार्थ जो विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पादित होता है और अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाता है वह कहलाता है। फिर से पढ़ो, वह पदार्थ जो विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पादित होता है और अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाता है कहलाता है। आंसर है फोर्थ, इंटरफेरॉन। क्या है इसका सही आंसर? इंटरफेरॉन। 12वां क्वेश्चन देखो, एलोजेनिक ग्राफ्ट बहिष्करण हेतु उत्तरदायी प्रतिरक्षी प्रक्रिया है। एलोजेनिक ग्राफ्ट बहिष्करण हेतु उत्तरदायी प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है। आंसर है फोर्थ, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया।
अब हम देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। सर्प विष के विरुद्ध प्रतिविष में पाया जाता है, जो प्रतिविष एंटीवेनम दिया जाता है उसमें क्या होता है? प्रतिजन, प्रतिजन, प्रतिरक्षी सम्मिश्रण, प्रतिरक्षी या एंजाइम। इसका आंसर, सही आंसर है थर्ड, प्रतिरक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ड्रग के उपयोग से खिलाड़ी, ड्रग के उपयोग से खिलाड़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है, या फोर्थ है उपर्युक्त सभी। इसमें सही आंसर है ड्रग के उपयोग से खिलाड़ी उपयुक्त सभी, चिड़चिड़ा हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी सारे लक्षण उसमें आ जाएंगे। इसके बाद आता है 15th नंबर का क्वेश्चन। निकोटीन एक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह निम्न में से प्रभावों का अनुहरण करता है। निकोटीन, निकोटीन एक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह निम्न में से एक के प्रभावों का अनुहरण करता है, जो है आंसर है इसमें सेकंड, एसिटाइल कोलीन। ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से होने वाला रोग है। आप सभी अच्छे से जानते हैं ऑन्कोजीन कौन से रोग एक्टिव हो जाए तो कौन से रोगों का होता है, तो कैंसर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से होने वाला रोग है कैंसर। 17वां नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों। बुचरेरिया से होने वाला रोग है, जो कॉजिंग पैथोजन है उससे होने वाला रोग है। पहला फाइलेरिया, दूसरा ल्यूकेमिया, तीसरा काला ज्वर और चौथा चिकनगुनिया। सही आंसर है पहला फाइलेरिया। रिया रिया से याद रखना, बुचरेरिया फाइलेरिया, तो आप भूलोगे नहीं। अब इसके बाद 18th नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों। रिंग वर्म या दाद के लिए उत्तरदायी जीन्स है माइक्रोस्पोरम, टाइकोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान, उपरोक्त सभी। सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं, तो आंसर जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। बच्चों ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू बच्चों।